योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित हो रही है। इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत वर वधु को 7 वचनों से बांधा गया तो वहीं अल्पसंख्यक परिवार को भी विधि पूर्वक निकाह कराया गया। इसी कड़ी में संत कबीर नगर जनपद में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता एवं सदर विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन जनपद मुख्यालय स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें 213 जोड़ों का विवाह विधि पूर्वक सम्पन्न हुआ। जिलाधिकारी सदर विधायक CDO समेत जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा वर वधु को आशीर्वाद देकर उनके लंबी उम्र की कामना की। 213 की संख्या में आज वर वधु शादी के दाम्पत्य जीवन में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उसमें हिंदू समाज से और मुस्लिम समुदाय से भी सभी के शादी के लिए की गई है। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर हमारे समस्त ब्लॉक और नगर पालिका की तरफ से मिल जिला प्रशासन की तरफ समन्वय कर एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया। इसमें कुल 213 जोड़ों का ऊपर हुआ था जब लास्ट हम बोलो थी, और उसमें 28 मुस्लिम जोड़े और अन्य हिंदू जोड़े वैवाहिक स्त्रोत्र में अभी से 5 मिनट पहले बंद गए हैं, उनके निकाह वाले कार्यक्रम उनकी चल रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये उनके बैंक खाते में मिलते हैं। दाम्पत्ति को जो रोजमर्रा के सामान होते हैं जीवन के, वो 10,000 रुपये के दिए जाते हैं और 5,000 रुपये प्रति जोड़ा आयोजन के लिए दिया जाता है, जो कि आयोजन इस प्रकार के जो विवाह समारोह होते हैं उनसे दो फायदे होते हैं। एक तो एक दहेज मुक्त व्यवस्था की जो मुख्यमंत्री जी का आह्वान वो जन जन तक जाता है, आपके माध्यम से ये बात पहुँचेगी। अन्य भी जो इच्छुक जोड़े होंगे तो इसमें लक्ष्य की कोई बाध्यता नहीं, जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे एक अच्छा हमारे पास तो ऐसे कार्यक्रम और करा सकते हैं।